नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गोवर्धन दू, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र शासकीय राजीव रंजन महाविद्यालय राजिम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परावर्तित पदार्थ के अंतर्गत डी, पी, ई और ई के बीच संबंध स्थापित करना चाहेंगे, अर्थात विस्थापन सदिश, ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध हो सकता है किसी परावर्तित माध्यम में, इसको हम बता सकते हैं। जैसा कि पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि परावर्तित पदार्थ क्या होते हैं, ध्रुवण कैसे होता है, समानांतर प्लेट संधारित्र में परावर्तित पदार्थ रखने पर कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होती है, विस्थापन सदिश क्या होता है, ध्रुवण कैसे उत्पन्न होता है और ध्रुवण सदिश की गणना कैसे की जा सकती है। आज हम इस लेक्चर को शुरू करने के पहले डी पी ई को एक बार पुनः समझ लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि विस्थापन सदिश की व्याख्या तभी की जा सकती है जब कोई एक ऐसा विद्युत क्षेत्र हमारे पास हो जो किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता हो, अर्थात ऐसा विद्युत क्षेत्र जो केवल वास्तविक आवेशों और उनके वितरण पर निर्भर करता हो, उसे ही हम विस्थापन सदिश कह सकते हैं, उसे ही विस्थापन सदिश से व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात ऐसा विद्युत क्षेत्र जो केवल वास्तविक आवेश और उसके वितरण को बताता हो, वही विस्थापन सदिश कहलाएगा। अर्थात डी और ई का जो संबंध है वो बहुत गहरा है। साथ ही साथ हम देखते हैं पी पी जो है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। पी जो है वो है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, मान लो हमारे पास कोई परावर्तित माध्यम है, उसके किसी एकांक आयतन पर प्रेरित कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान ही ध्रुवण सदिश को बताता है। और विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए माना कि माध्यम के किसी बिंदु पर कोई धन आवेश है, उस धन आवेश को यदि एकांक आवेश मान लिया जाए तो उस एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र का मान बताता है। तो हम देखते हैं कि डी ई पी में किस प्रकार से रिलेशन स्थापित किया जा सकता है। हम देख रहे हैं हमारे पास दो चित्र यहाँ पे बने हुए हैं। इस पहले चित्र में आप देखेंगे कि एक दो प्लेट हैं, एक को धन आवेशित तो दूसरे को ऋण आवेशित कर दिया गया। यह उसी प्रकार की व्यवस्था है जिस प्रकार की व्यवस्था में हम विस्थापन सदिश की गणना भी किए थे। तो हम देखते हैं कि प्लेटों को आवेशित कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि जो ऊपर वाला प्लेट है वो सिग्मा एफ, यह आवेशों का पृष्ठ घनत्व है, धन आवेश आवेशों का पृष्ठ घनत्व है। उसी प्रकार यह ऋण आवेशितों का पृष्ठ घनत्व है। तो हम देखते हैं कि इसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह ऊपर से नीचे की ओर है और उसका मान क्यू एफ अपॉन एफलान जीरो, ये जो वैल्यू है वो हम गॉस लॉ से ला सकते हैं। यदि हम मान के चलें कि ऊपर वाला जो क्षेत्र है गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ में हम देखते हैं गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित फ्लक्स जो कि ई डॉट डी ए के बराबर होता है, मान लो एस सरफेस इंटीग्रल हम लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका मान उस गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश मीन्स क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम सिग्मा एफ बटा एप्सिलॉन जीरो बराबर ई जीरो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम इसको इस इक्वेशन को सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लिखें तो हमको मिलेगा ई डॉट डी ए सॉरी ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, ये हमको मिल जाएगा। अब अगर ये इक्वेशन हमको मिला तो हम इस इक्वेशन की मदद से देखिए ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी ए कैसे लिख सकते हैं, तो आवेश अपॉन एरिया क्षेत्रफल, आवेश अपॉन एरिया जो है वो बताएगा आपको घनत्व को, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो। तो ये जो सूत्र है उसमें अगर ई जीरो रख दें और इसको एफ रख दें, चूंकि यहाँ पर आवेशों को हम सिग्मा एफ से ध्यान किए तो ई जीरो सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो हमको मिल जाएगा। तो यह जो वैल्यू दिखाई दे रही है ई जीरो इजिकल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो, ये हम गॉस के नियम से ला सकते हैं। यहाँ पर कोई परावर्तित पदार्थ नहीं रखा हुआ, अर्थात ये परावर्तित पदार्थ की अनुपस्थिति में हम दिखा रहे हैं। जब हम परावर्तित पदार्थ को इस प्लेटों के बीच, इन प्लेटों के बीच रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो परावर्तित पदार्थ के अणु वो ध्रुवित हो जाते हैं। जैसा कि पूर्व के लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं ध्रुवण में और ध्रुवण सदिश में कि जब परावर्तित पदार्थ के धन और ऋण आवेश किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आते हैं तो वह
अपनी साम्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात साम्यवस्था दूरी जो है धन और ऋण की वो बदल जाती है यांत्रिकी और विद्युत रूप से, अर्थात उनमें आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि जो बीच वाले ध्रुवित आवेश होते हैं परावर्तित होता है, मीन्स ये जो जगह खाली दिख रही है जो, उस जगह में भी आवेश रहे होंगे पहले, जब परावर्तित पदार्थ को नहीं रखा गया था इस इन प्लेटों के बीच, जब हम छेद रखे हैं तो ये जो बीच वाला जो सरफेस है जहाँ धन और ऋण आवेश होंगे वो एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, अर्थात परावर्तित पदार्थ के अंदर जो आवेश ध्रुवित हो चुके हैं बाहर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वो एक दूसरे को निष्फल कर दिए। तो केवल आवेशों का जो संग्रहण है वो केवल परावर्तित पदार्थ की सतहों पर ही बना रहेगा, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लेट धन आवेशित है, तो परावर्तित पदार्थ का जो उसके सामने वाला जो सतह है परावर्तित पदार्थ को ऋण आवेशित है, उसी प्रकार प्लेट नीचे वाला जो प्लेट है ऋण आवेशित है लेकिन परावर्तित पदार्थ का जो सतह है वो धन आवेशित है। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सिग्मा पी इजिकल टू माइनस पी, हम इसके पूर्व के भी लेक्चरों में पढ़े हैं कि जो पी है वह विद्युत ध्रुवण वेक्टर है, यानी कि ध्रुवण सदिश है। तो ध्रुवण सदिश का मान जो है वह आवेश आवेशों के पृष्ठ घनत्व के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऋण आवेशित है तो ये माइनस सिग्मा पी लिखा हुआ है, इजिकल टू माइनस पी लिखा हुआ है, तो ये जो पी है वो ध्रुवण सदिश को बता रहा है, और परावर्तित पदार्थ का जो ये वाला सतह है वो वहाँ पर आवेश जो है ऋणात्मक आवेश ज्यादा है, इसका वहाँ पर पृष्ठ का आवेश घनत्व माइनस पी लिया हुआ है, यहाँ पर उसी प्रकार प्लस सिग्मा पी लिया हुआ है, इजिकल टू प्लस पी लिखा हुआ है। तो अब जब देखते हैं कि आवेश जो है ध्रुवित हो गए परावर्तित पदार्थ में, तो इस परावर्तित पदार्थ के अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है जिसे ई आई एन कहते हैं हम, उसकी जो दिशा है वो लगाया गया विद्युत क्षेत्र, ये जो लगाया गया विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर थी, यहाँ पर देख रहे हैं आप नीचे से ऊपर की ओर दिशा हो गई, चूंकि ये धन आवेशित है सिरा है ऋण आवेशित सिरा है परावर्तित पदार्थ का, तो यह ई एन ऊपर की ओर रही, और ये जो ई है वो बता रहा है परिणामी विद्युत क्षेत्र या औसत विद्युत क्षेत्र से भी हम इसको निरूपित कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ई जो है वह ई जीरो माइनस ई आई एन, माइनस इसका हम लिखा हुआ है क्योंकि इसकी जो दिशा है उल्टी है लगाए गए विद्युत क्षेत्र के, तो हम ये भी कह सकते हैं या फिर कि जो ई का मान है वह औसत विद्युत क्षेत्र का मान या परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान वह लगाए गए क्षेत्र के वेक्टर विद्युत और परावर्तित पदार्थ के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के वेक्टर के योग के बराबर है। तो हम यहाँ पर ई जीरो प्लस ई आई एन इजिकल टू ई, अब देखिए जो औसत विद्युत क्षेत्र है या परिणामी विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा वह भी नीचे की ओर दिखाई देगी आपको, अर्थात जो है ई जीरो के मान में कुछ कमी हो रही है ना, और ई एन जो है उसकी कमी का एक फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि ई आई एन, जैसे कि हम देखे थे कि ई जीरो इजिकल सिग्मा एफ बाई एफ, जब जब कोई भी परावर्तित पदार्थ प्लेटों के बीच में रखा गया था तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे या मुक्त आवेश जो थे उसके लिए यह ई जीरो इजिकल सिग्मा बाई एफ जीरो लिखा गया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई आई एन इजिकल सिग्मा पी बाई एफ जीरो, जब परावर्तित पदार्थ हम रखते हैं तो परावर्तित पदार्थ ध्रुवित होने के बाद आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है जिसको सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन इजिकल पी बाई एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, जिसकी दिशा ऊपर की ओर है। अब हम देख रहे हैं कि ई आई एन इजिकल टू माइनस पी बाई, इस ऊपर की ओर जो लगाया गया विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है, तो इसकी दिशा जो है वह ऊपर की ओर दिखाई दे रही है ई आई एन की। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ये जो ई इजिकल ई जीरो प्लस ई आई एन, अब हम इसका मान रखते चलते हैं, तो ई इजिकल टू ई जीरो प्लस ई आई एन, ई आई एन का मान हमारे पास क्या माइनस पी, सॉरी इसको हम ऐसा वेक्टर के रूप में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, माइनस पी बाई एप्सिलॉन जीरो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये जो सूत्र है इसमें हम ई जीरो इजिकल टू ई प्लस पी बटा एप्सिलॉन जीरो हम लोग लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से कैलकुलेशन हम लोग यहाँ तक ला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो के होता है परावैद्युतांक, इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वह ई जीरो बटा ई के बराबर होगा, हम इसको पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, पूर्व के वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि परावैद्युतांक बराबर ई जीरो मतलब
विद्युत क्षेत्र की प्रावर्तक पदार्थ की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र बटे प्रावर्तक माध्यम या पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र। तो हम यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जीरो इजिकल के टाइम्स ई, के टाइम्स ई, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है अपने को, इसमें के टाइम्स ई इजिकल टू ई, के टाइम्स ई इजिकल टू ई, सॉरी इसको हम वेक्टर वेक्टर में लिख लें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। के टाइम्स ई, ई जीरो की जगह रख दिए, ई प्लस पी बटा पाँच जीरो। तो अब हम इस समीकरण को और सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें कुछ रिलेशन मिलेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पी बटा एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू के माइनस वन ई, इसके बराबर हो गया। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के माइनस वन ई, ये क्वेश्चन मिल गया हमको। अब हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ध्रुवण सदिश होता है पी, उसकी जो दिशा है वह ई की मतलब कुल विद्युत क्षेत्र या औसत विद्युत क्षेत्र या परिणाम विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये भी हम देख चुके हैं कि पी का जो निर्धारण है वह ई के कारण ही हुआ है, मतलब जो ध्रुवण सदिश की उत्पत्ति हुई है वह विद्युत क्षेत्रों के कारण ही हुई है। वह विद्युत क्षेत्र जो लगाया गया है और जो परावर्तित पदार्थ में उत्पन्न हुआ है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र मिला है उसी के कारण हमको पी की वैल्यू मिली हुई है। तो हम अब हम देखते हैं कि पी इजिकल टू, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो अपन इसके पहले वाले पीरियड में भी देख चुके हैं या पहले वाले लेक्चरों में कि ये जीरो काइम पी के बराबर होता है। तो ये जो समीकरण हम लोग पहले निकाले थे और ये जो समीकरण अभी हम लोग निकाले हैं, अगर दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो हमें एक एक संबंध मिल जाएगा जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन जीरो काइम बराबर के माइनस वन एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो कट गया तो हमें मिल गया एक रिलेशन सब्सिबिलिटी, ये जो काइम था उसे हम विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं या इलेक्ट्रिकल सब्सिबिलिटी कहते हैं, जो कि के माइनस वन के बराबर हमें प्राप्त हो गया, मतलब परावर्तितांक और विद्युत प्रवृत्ति के बीच एक संबंध ज्ञात हो गया। फिर यदि हम पुनः इस समीकरण पर आए इक्वल टू ई जीरो प्लस ई आई एन, इस पर पुनः आए तो हम देख रहे थे कि ई जीरो इसका मान था पी बटा एप्सिलॉन जीरो ई। अब इसको हम लोग सॉल्व यदि करें तो ई जीरो इक्वल टू ई प्लस पी बटा एप्सिलॉन जीरो ये हमको मिलेगा। तो हम देखते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का इधर ला जाए, एप्सिलॉन जीरो ई जीरो इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ई प्लस पी, ये हमको एक समीकरण मिल जाएगा। हमको पता है कि ये जो क्वांटिटी है वह क्वांटिटी जो है किसके बराबर है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो विस्थापन सदिश है वह विस्थापन सदिश जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन या वास्तविक इलेक्ट्रॉन से ही उत्पन्न होगा। अर्थात हम एप्सिलॉन जीरो ई जीरो, चूंकि ई जीरो जो है वह लगाया गया फील्ड है, एप्सिलॉन जीरो जो है वह माध्यम या निर्वात की विद्युशीलता, तो डी का निर्धारण हम लोग इसी रूप में एप्सिलॉन जीरो ई जीरो के रूप में कर सकते हैं। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर हम देखे थे, तो अगर इसको रिप्लेस कर जाए तो डी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ई प्लस पी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डी ई और पी के बीच इस प्रकार का एक संबंध हमको दिखाई देगा, तीनों की जो दिशा है वह एक ही होती है डी ई और पी की। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि पी ई और डी के बीच क्या संबंध हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों एक ही दिशा में है और एक लीनियर इक्वेशन हमको प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।